नमस्कार, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो सबसे पहले फर्स्ट टाइम जो मेरा चैनल देख रहे हैं, उन सभी को कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप जो है मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप स्वास्थ्य का भरपूर लाभ उठाते रहे और आप स्वस्थ रहे, निरोग रहे। देखिए, अब मैं आज जो एक वीडियो बना रहा हूँ, वो सावन के महीने में योग करने से बारिश के होंगे, बारिश के जो रोग होते हैं वो दूर होते हैं। भाई, सावन के महीने में योग करोगे तो बारिश में जो होंगे आपके रोग वो होंगे दूर, मैं ये कहना चाहूँ। जैसे बारिश में जो लोगों को बीमारियाँ जैसे ज़्यादा चालू हो जाती है, बारिश का महीना होता है ना, उसमें वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो बढ़ने लग जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि यदि आप नियमित योगासन प्राणायाम करते हो तो वैसे कोई कहने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोग जो है कि एक खुले में योगासन प्राणायाम करते हैं, जैसे ओपन एरिया में जाते हैं, कोई पार्क में, गार्डन में, ठीक है। लेकिन यदि आप इस तरह की सुविधा में नहीं हो, कहने का मतलब जैसे बारिश में लोग क्या ही क्या कि जैसे गंदगी बहुत ज़्यादा है, पानी बहुत इकट्ठा हो गया है, तो वो नहीं जाना चाहते हैं, तो आप घर में भी प्राणायाम जो है आप कर सकते हो। मैं कहूँ प्राणायाम करने से 99% बीमारियां जो आपकी दूर हो जाती है। इसमें देखिए, प्राणायाम के अंदर आप दो तीन प्राणायाम आप कर लीजिए, जैसे भस्त्रिका है, अनुलोम विलोम है, कपालभाति है और भ्रामरी है, ओम का उच्चारण है, ये कर लीजिए। जैसे सावन का महीना है, सावन के महीने में भोलेनाथ की आराधना होती है, भगवान शंकर को लोग अभिषेक करते हैं, जल चढ़ाते हैं, ठीक है, दूध चढ़ाते हैं, तो आप भी भगवान शंकर की आराधना के साथ में प्राणायाम जैसे कर लीजिए और ओम का उच्चारण जो है वो आप कर सकते हो भ्रामरी के साथ में, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम को कैसे किया जाता है कि जैसे आपने एक अपने नाक के आगे कैंडल रख दी और उसको बुझाना है आपको, जैसे आपने बुझाया ऐसे, कमर आपकी जो मेरुदंड है वो सीधी रहनी चाहिए और स्टिक रह करके आप, ये ध्यान मुद्रा हो सकती है, ये वायु मुद्रा है, इसमें आप किसी में भी मुद्रा में बैठ करके और कपालभाति का अभ्यास कर सकते हो। तो कपालभाति है, इसमें आप स्ट्रोक लगाने होते हैं, जैसे आप बीपी ज्यादा है तो आपको धीरे धीरे करना है, बीपी कम है, ठीक है, तो आप तेजी से स्ट्रोक लगा सकते हो। एक एक मिनट में लोग जो है 50-50 स्ट्रोक लगा लेते हैं, ठीक है, जितना ज़्यादा लगाओगे उतना फायदा है। कपालभाति से आपके जो पेट की बीमारियां हैं वो नहीं रहेगी, और कोई भी किडनी संबंधी बीमारी नहीं रहेगी, कोई भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, कोई रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम है, ये सारी कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती है, पेट आपका स्वस्थ रहता है, फेस पर ग्लो रहता है आपका, कपालभाति कपाल की तरह, मतलब जैसे आप एक कपालभाति करते हो तो आपका जो चेहरा होता है वो चमकता हुआ नजर आता है, ठीक है। तो कपालभाति प्राणायाम आप नियमित कर सकते हो। उसके बाद में इसको आप 5 मिनट कर लीजिए, 10 मिनट कर लीजिए, जितना ज़्यादा करते उतना ही फायदा होता है इसमें। उसके बाद में एक अनुलोम विलोम प्राणायाम होता है। तो अनुलोम विलोम में क्या करना होता है कि लेफ्ट साइड से आपको लंबी गहरी सांस लेनी है और राइट साइड से छोड़नी है। देखिए, हमारी लेफ्ट साइड में जो है चंद्र नाड़ी होती है, राइट साइड में हमारी जो सूर्य नाड़ी होती है वो उनका बैलेंस रहता है। तो हम चंद्र नाड़ी से स्टार्ट करते हुए जैसे लंबी सांस ली हमने, धीरे धीरे भी कर सकते हो, तेजी से भी कर सकते हो। इसके बाद में आप भस्त्रिका कर सकते हो, मतलब सांस लेना और छोड़ने पर ध्यान देना है।
ये कर सकते हो। इसके बाद बरामदी कर सकते हो आप, जैसे एक अंगुली माथे पर रखो, एक आंखों के पास, एक अंगूठे से आपको कान बंद करना है, रोम बरामरी मतलब ब्रह्म, मैं कहूँ कि हमिंग साउंड प्रोड्यूस करनी है, भंवरे की तरह गुंजन करना है। उसके बाद एकदम से आप शांत बैठ करके आद्य चक्र यहाँ पर ध्यान के अंदर करें अपना। फिर आप हाथों को गर्म करके लगा लीजिए, आंखों पे लगाइए। देखिए आप इस तरह से प्राणायाम कर लो, प्राणायाम कर सकते हो, और आसन जो है आसन करो तो बेस्ट है, लेकिन मैं ये कहूँ कि आप 10-15 मिनट डेली प्राणायाम कर लो तो भी 99% बीमारियों से आप छुटकारा पा सकते हो। तो सावन का जो महीना होता है बहुत ही आनंदमय होता है, बहुत ही हरियाली रहती है, बारिश का महीना होता है, भगवान शंकर का जो है पूरा महीना होता है, और आप सावन में भी योगासन प्राणायाम करिए नियमित, और स्वस्थ रहेंगे। ओके फ्रेंड्स।